हेलो सम्मानित मित्रों, एस्ट्रो न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं जगदीश सोनी, आप सभी का ज्योतिष मित्र। आज मैंने आपको इस वीडियो में ओमिक्रॉन कोरोना के बारे में कुछ ज्योतिष बातें बतानी है। इस वीडियो में आज ये बताना है कि ये वेरिएंट कब समाप्त हो सकता है, कोरोना का प्रकोप कब कम या समाप्त हो सकता है, कब हमारे देश के सभी लोगों को इस नए वेरिएंट से छुटकारा मिल सकता है या इस नए वेरिएंट का प्रभाव काफी हद तक कम हो सकता है। आज मैं इस वीडियो पर यही चर्चा करना चाहूंगा, यही बातें आपको बताना चाहूंगा। तो इससे पहले 8 महीने पहले अप्रैल 2021 में मैंने अपने YouTube चैनल पर कोरोना वायरस के बारे में ज्योतिष की भविष्यवाणी की थी। कुछ बातें प्लेनेट पोजीशन के बारे में आप सभी को अवगत करवाया था और वह वीडियो अभी भी YouTube पर मौजूद है मित्रों। तो आज बात करता हूं ओमिक्रॉन वेरिएंट की। कोरोना का ये वेरिएंट जो है ये हमारे भारत में भी अब पांव पसार रहा है और काफी केस भी आ रहे हैं और काफी लोग इस समय इस वायरस से बड़े परेशान हैं। तो मित्रों, ज्योतिष के नजरिए से बात करना चाहूंगा। पहला मामला भारत में 27 जनवरी 2020 को आया था। उसके बाद शनि ने उस समय मकर राशि में प्रवेश किया था और उसके जस्ट 1 महीने के बाद यानी कि 20 फरवरी 2020 को प्लूटो यानी कि यम ग्रह ने भी मकर राशि में प्रवेश किया। यम यानी प्लूटो ग्रह एक राशि में 19 वर्षों तक भ्रमण करता है मित्रों। और मैंने उस पिछली बार के वीडियो में भी आपको यही बताया था कि जब तक शनि प्लूटो एक साथ रहेंगे कोरोना वायरस का प्रकोप बना रहेगा, कभी कम कभी ज्यादा, परंतु इस वायरस का प्रकोप अभी समाप्त नहीं होगा। तो 2022 की बात करना चाहूंगा। 2022 की स्थिति, प्लेनेट पोजीशन इस समय शनि मकर राशि में भ्रमण कर रहा है, प्लूटो के साथ है दोस्तों, यम ग्रह के साथ है। तो जब बृहस्पति और मंगल इन ग्रहों की स्थिति अच्छी हो जाती है तो कुछ महीनों के लिए ये वायरस काफी हद तक कम हो जाता है। सवाल उठता है कि जब शनि और प्लूटो एक साथ है तो फिर बार बार कोरोना वायरस का प्रभाव कम ज्यादा क्यों होता है। तो मित्रों, आपको ये बताना चाहूंगा कि बृहस्पति मंगल की पोजीशन, बृहस्पति मंगल की स्थिति, ग्रह स्थिति जब अच्छी हो जाती है तो इस वायरस का प्रकोप काफी कम हो जाता है। और जब ये ग्रह अशुभ हो जाते हैं तो फिर इस वायरस का प्रकोप जो है वो अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। तो बात करता हूं 2022 में शनि अभी मकर में है और 29 अप्रैल 2022 को शनि कुंभ राशि में जाएगा। मित्रों, 29 अप्रैल 2022 को जब शनि प्लूटो से अलग हो जाएगा उस समय शनि का प्रकोप, कोरोना का प्रकोप, इस वायरस का प्रकोप, ओमिक्रॉन का प्रकोप जो है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक ओमिक्रॉन का प्रभाव बहुत कम हो जाएगा, काफी इसका प्रभाव जो है वो बिल्कुल समाप्ति की ओर होगा, लेकिन ये बिल्कुल खत्म नहीं होगा। तो इसलिए मित्रों की 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 तक शनि कुंभ में जरूर रहेगा, लेकिन उसके बाद पुनः 6 जून 2022 से शनि वक्री होकर 23 अक्टूबर 2022 तक वक्री रहेगा, रेट्रोग्रेड रहेगा। तो 6 जून को वक्री होकर शनि 12 जुलाई को पुनः अपनी राशि मकर में आ जाएगा, जहां वह प्लूटो से फिर मिल जाएगा। प्लूटो से मिलने के बाद शनि का प्रभाव फिर प्लूटो पर रहेगा, प्लूटो का प्रभाव शनि पर रहेगा, शनि और प्लूटो की युति फिर कोरोना वायरस के प्रकोप को धीरे धीरे बढ़ा सकती है। परंतु राहत की बात यह है कि 13 अप्रैल 2022 को
बृहस्पति भी राशि परिवर्तन कर रहा है, अपनी मीन राशि में आ रहा है। मीन राशि का बृहस्पति शनि प्लूटो की युति से उत्पन्न होने वाले कोरोना वायरस पर नियंत्रण करेगा, उसको रोकने का काम करेगा। तो मित्रों, ज्यादा समस्या नहीं आएगी। अप्रैल के बाद धीरे धीरे कोरोना वायरस का प्रभाव कम हो जाएगा और शनि जो है वो 23 अक्टूबर तक वक्री रहेगा। 23 अक्टूबर के बाद मार्गी होगा दोस्तों, और मार्गी होने के बाद फिर कोरोना वायरस से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। सवाल ये उठता है मित्रों कि कब समाप्त होगा, ज्योतिष के अनुसार कोरोना वायरस की समाप्ति कब हो सकती है या कब इस भयानक वायरस पर काफी हद तक बहुत ज्यादा नियंत्रण पाया जा सकेगा, ऐसी स्थिति कब आएगी। तो प्लेनेट के अनुसार, ग्रह स्थिति के अनुसार, प्लेनेट पोजीशन के अनुसार 17 जनवरी 2023 को जब शनि फिर मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, प्लूटो यानी यम ग्रह से अलग हो जाएगा, यम और शनि की युति बिल्कुल टूट जाएगी, अलग हो जाएंगे, उसके बाद कोरोना वायरस का समाप्त होना, कोरोना वायरस की मृत्यु होना बिल्कुल तय है दोस्तों। यानी कि इस वायरस पर काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकेगा, काफी हद तक इस पर नियंत्रण पा लिया जाएगा। वो इसलिए कि शनि प्लूटो की अशुभ युति 17 जनवरी 2023 को समाप्त हो जाएगी, शनि कुंभ राशि में आ जाएगा, फिर पलटकर अगले 30 वर्षों के बाद शनि मकर राशि में आएगा। इससे पहले शनि दोबारा मकर राशि में नहीं आएगा। इस दौरान प्लूटो भी 19 वर्षों के बाद मकर राशि को छोड़ चुका होगा। तो मित्रों, प्लूटो और शनि की युति 17 जनवरी 2023 को समाप्त हो जाएगी। इसी के साथ कोरोना वायरस काफी हद तक इस विश्व में, अपने भारत में समाप्ति की ओर होगा या इस पर काफी नियंत्रण पा लिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अपने ज्योतिष मित्र जगदीश सोनी को इजाजत दें, अगली बार फिर कोई नए विषय पर, नए ज्योतिष विषय पर आपको वीडियो शेयर करूंगा। सादर नमस्कार।